सो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो बट आपके पास एक अच्छा खासा बैकग्राउंड सेटअप नहीं है जिस पर आप अपने यूट्यूब वीडियोस को शूट कर सकें, दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वो बेल को दबा लो। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऐसे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपके बैकग्राउंड में आपने क्या यूज़ करते हो, क्या ये ग्रीन स्क्रीन है, क्या ये एक ब्लैक वॉल है। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, सो कि मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के पीछे जो बैकग्राउंड है वो आखिर में है क्या। तो यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों, मेरे पास है दो सेटअप, एक है ग्रीन स्क्रीन और जो दूसरा है दोस्तों वो ब्लैक वॉल है। दोस्तों मैं यहाँ पर दो सेटअप से अपने यूट्यूब वीडियोस को शूट करता हूँ, कभी ग्रीन स्क्रीन कभी ब्लैक वॉल। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक आपको देखना है दोस्तों, पूरा एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही मोटिवेशन भी होने वाला है। अगर आप एक ऐसे जगह पर वीडियो शूट करते हैं जहाँ पर अगर आपके कमरे में बहुत सारा सामान होता है और जो बैकग्राउंड एरिया है वो एकदम अच्छा नहीं है, दिखाने के काबिल नहीं है, अगर आप उस तरह के अगर आप है कंडीशन में, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कम बजट में अपना सेटअप, बैकग्राउंड सेटअप कैसे रेडी कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बैकग्राउंड सेटअप अपने घर पर सेट करने के लिए आपको ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लैक वॉल, आपको अगर आप ग्रीन स्क्रीन खरीदना चाहते हैं तो मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, या नहीं तो अगर आपके पास अगर आप ऑनलाइन से अगर इस चीज़ को ब्लैक जो क्लॉथ होता है या फिर ग्रीन स्क्रीन को अगर आप ऑनलाइन से खरीदते हैं तो दोस्तों आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आपके पास लो बजट में अगर आप एक अच्छा अच्छा खासा सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी मार्केट में या फिर आप चले जा सकते हैं, आप जो जनरल स्टोर होता है वहाँ पर जाकर आप ग्रीन और आपको ब्लैक आपको पेपर शीट मिल जाता है दोस्तों, हूबहू सेम वैसे रहते हैं, ग्रीन शीट और ब्लैक पेपर। आपको करना क्या होता है, अपने घर के वॉल पर आपको जहाँ पर भी आप वीडियो शूट करते हैं वहाँ पर आपको जो दीवार होती है दोस्तों, दीवार पर आपको एकदम से सेट कर देना है, चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको सेम ऐसे जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वैसे ही आपको आते हैं, लेकिन आपको कुछ काइन मास्टर में सेटिंग करना होता है दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई देता है। तो इफेक्ट क्या है और कैसे एडिट करते हैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप ब्लैक स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं पड़ता है दोस्तों, बस थोड़ा सा एडिटिंग करने के बाद आप ऑटोमेटिक उसको क्योंकि आपको वहाँ पर रिमूव नहीं करना होता है दोस्तों ब्लैक स्क्रीन को। अगर वहीं पर अगर आप ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो आपको जो बैकग्राउंड में आपको टोटल जो ग्रीन होता है उसको रिमूव करना आना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सभी को तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना आता है बट आपको उसका तरीका कैसा होता है, जो अगर आप एक जो सिस्टम से जो पीसी से मान लीजिए लैपटॉप में जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कैसे एडिटिंग करते हैं और काइन मास्टर में कैसे एडिटिंग करते हैं, आपको दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन दोस्तों जैसा हम पीसी में एडिट करते हैं सेम वैसे ही आप काइन मास्टर में भी एडिट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ लोग सही तरीके से एडिट नहीं करते कि उनके लिए आपको यहाँ पर शेडो आ जाता है या फिर यहाँ पर शेडो आता है, फिर अपने जो बाल होते हैं दोस्तों बालों में ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है दोस्तों, उसको प्रॉपरली हमें रिमूव करना आना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके लिए आपको कुछ हिडन सेटिंग्स होते हैं दोस्तों कैन मास्टर में, उसको हमें अप्लाई करना है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो मैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे कैन मास्टर की मदद से रिमूव करता हूँ, अलग अलग तरीके से हम किस तरह बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं कैन मास्टर की मदद से, तो आपको ले चलता हूँ कैन मास्टर की। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर कैन मास्टर अप्लीकेशन ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको 16:9 रेशियो यहाँ से ले लेना है, उसके बाद आपको मीडिया पर चले जाना है, ये तो सभी को आता है। तो मैं सबसे पहले आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ से मैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड को ले लिया, इसको थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो हमारे वीडियो की लेंथ कितनी होगी हमें भी इसको उतना ही खींचना होगा, कुछ इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ, लगभग मैं इसको 1 से 1.5 मिनट तक रख लिया। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है, उसके बाद आपको लेयर पर चले जाना है, उसके बाद आपको मीडिया पर चले जाना है, और जो आप ग्रीन स्क्रीन जो आप शूट करें वीडियो उसको आपको ले लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह आपको सेट कर देना है, जितना आप सेट करना चाहते हो उतना सेट आपको कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह यहाँ पर आना है आपको थोड़ा, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको यहाँ से स्टार्टिंग से बताया, उसके बाद आपको लेयर पर जाना है, इसको पहले तो आपको टैप करना है वीडियो के ऊपर,
तो जैसे आपको टाइप करेंगे आपको ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए क्रोमा की, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एनेबल करने का हमें यहाँ ऑप्शन दिया गया है, इसको हमें एनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सो कुछ लोग कैसे कुछ इस तरह करके यहाँ पर सेटिंग्स को ऊपर नीचे करके वो वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारा बैकग्राउंड जो कलर है जो ग्रीन स्क्रीन का वो किस तरह का है, तो यहाँ पर हमें की कलर पर चले जाना है। यहाँ पर हमें कौन सा हमारा जो ग्रीन जो पर्दे का जो कलर है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो मैं ये करता हूँ यहाँ से इतना डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए पूरा चले गया। तो यहाँ से मैं सेटिंग्स को यहाँ पर कुछ इस तरह कस्टमाइज़ करता हूँ। आपको यहाँ पर शो मास्क पर आपको क्लिक करना है। ये जो आपका वाइट ऑब्जेक्ट है तो आपको इसको वाइट करना है, और जो बैकग्राउंड है उसको एकदम से आपको ब्लैक कर देना है। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ शो मास्क से मैं इसको बंद कर लेता हूँ, आप देखते हैं। फिर आपको यहाँ पर चले जाना है, अगर आपके हाथ के ऊपर या सर के ऊपर अगर कुछ ग्रीन ग्रीन आता है तो आप यहाँ डिटेल कॉर में जा सकते हैं और कुछ इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सिर्फ इतना करने से हमें बैकग्राउंड टोटल रिमूव हो गया है। तो एक बार वीडियो को प्ले करते हैं, इसको मैं साउंड म्यूट पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड जो ग्रीन था वो टोटली रिमूव हो चुका है। तो अब जो हमारा बैकग्राउंड है उसको ब्लैक वॉल जैसा मेरा जो सेटअप था उस तरह का किस तरह बनाए इसको, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सेलेक्ट इसको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों विग्नेट अपर, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे जो आप चार कोनों की तरफ देख सकते हैं एकदम डार्क ब्लैक सा आ गया। उसके बाद आपको कलर एडजस्टमेंट पर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह ऐसा कलर को डाउन कर देना है। कितना रख सकते हैं आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कुछ इस तरह डार्क बहुत ही डार्क रखना चाहते हैं तो 240-250 भी रख सकते हैं। फिर इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह रखता हूँ। फिर इसको यहाँ टोटल भी ब्लैक हो सकता है और यहाँ पर वाइट भी हो सकता है। तो जैसा आप करना चाहते हैं अपने वीडियो के हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह करना होता है। उसके बाद आपको क्लिक राइट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से मैं वीडियो को एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड एकदम ब्लैक डार्क एकदम जो भी आप कह सकते हैं वो कह सकते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए, फिर भी यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसको भी हटाने के लिए जो ग्रीन ग्रीन सा जो बैकग्राउंड में आ रहा है उसको हटाने के लिए फिर से जाना है यहाँ डिटेल पर जाना है। डिटेल पर जाकर हमें कुछ इस तरह यहाँ पर इसको थोड़ा सा छेड़ना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो चले गया। तो हमें फिर से एक बार मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही दोस्तों, एकदम से परफेक्ट हो गया। अगर हमारे फेस का कलर हम और बैकग्राउंड से अगर हम मैच करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर क्लिक करना है सीधा। ये नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपके जो फेस का कलर है उसको भी थोड़ा सा लो कर देना है, जिससे क्या है दूसरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको पता ना चले कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह आप अपने वीडियो को बना सकते। तो इतना सा मैं डार्कनेस रख लेता हूँ। फिर से आपको एक बार प्ले करके दिखाया तो किस तरह हमारा वीडियो दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही एकदम परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गया। तो अगर कोई बंदा इसको देखता है तो वो उसको मालूम ही नहीं होगा कि हमने ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करके कुछ इस तरह डार्कनेस हमने हमारे वीडियो में इफेक्ट लाया है दोस्तों। तो आप भी अपने मोबाइल में कुछ इस तरह का कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर आपके पास ज़्यादा अगर आप बजट नहीं है लो बजट में, तो आप जनरल स्टोर पर जाकर आप कुछ इस तरह के पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है वो भी लगा सकते हैं। या फिर अगर आप ग्रीन स्क्रीन को अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो ब्लैक पेपर भी आप शीट लगा चिपका कर अपने कुछ इस तरह वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।